गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल भाई लोगों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर राज साइकिल बाबा, विश्व साइकिल यात्री, एक बार फिर आ गया हूँ। अभी हम हैं पुर्तगाल में, पुर्तगाल की कैपिटल सिटी लिस्बन के हम लगभग 80 किलोमीटर के इस पार हैं। इस पार मैं किसी फार्म हाउस पे आ गया था, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा और कल देखा कि आपने, मैं यहाँ फार्म हाउस में पहुँच गया था। तो फार्म हाउस में पहुँचते सबसे पहले मुझे हुए ये खूबसूरत सी जगह के शिवलिंग के दर्शन। ये भाई जी बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं अभी, और फार्म हाउस में कुछ हमारे भाई रहते हैं यहाँ पे हरियाणा पंजाब से, और तो उन्होंने ये फार्म हाउस रेंट आउट कर रखा है, यहाँ पे रहते हैं, और उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले पूजा स्थल बना लिया है। तो आराम से उधर जानवरों वानवरों को दाने वाने डाल के, और ये पूरा एरिया जो है फार्म हाउस का है। तो मेरे साथ में कुछ भाई भी हैं। आज का वीडियो जो है थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, स्पेशल ये है कि ट्रैवलिंग से अलग भी कुछ होने वाला है। तो मेरे साथ में भाई साहब हैं। हाँ जी, भाई साहब राम राम। राम भाई साहब, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई साहब, आप कितनी जगह जी? जम्मा मध्य है भाई साहब। मैं हूँ हरियाणा से, दुर्जनपुर गांव है मेरा, जींद डिस्ट्रिक्ट, जींदड़ा दुर्जनपुर। और ये हैं हमारे चौधरी साहब। कई साल बाद मिला है? छह साल, 16 में मिले हैं, 16 के बाद में अभी मिला, मेरा है रिश्तेदार। बाकी स्टोरी बिहाइंड द कैमरा। 2016 में मिले हम, जब मैं निकला था तब शायद पहली जब मेरी ट्रैवलिंग थी गुड़गांव के आसपास जो है वो हम यहाँ पे मिले थे। भाई अभी यहाँ पे मेरे पास ही आ गए थे, बोले आप यहाँ रहे हो, तो वो रहते तो लिस्बन में यार, रुक यहाँ पे आए हुए हैं, तो बोला कि आज संडे है तो हम यहाँ पे चलते हैं, और बाकी बात जो है बता देंगे। क्या हाल चाल, कहाँ से? मैं करनाल। भाई साहब करनाल वालों को क्या हो रहा है, सारी दुनिया करनाल वाले, बोले हम कोई कनाडा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, बहुत ज्यादा क्रेज है करनाल में। खेत में आने का ये मजा है, सैतूत तोड़ो, ये सैतूत का पेड़ है, अंजीर है वहाँ पे, अंजीर का पेड़ लग रहे हैं, पक रहे हैं, सही मजे मीठे हो रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। तो भाई हम सारे लोग इकट्ठे हो गए, कितने हो भाई टोटल यहाँ पे? पात्रो बुलाओ यहाँ पे पुर्तगीज में ओनर को बोलते हैं। तो भाई चला रहा है रमेश भाई, क्या हाल है? नमस्कार भाई। तो रमेश भाई ने ये फार्म हाउस, बाबा जी का जयकारा तो लगा दो एक बार, बाबा जी का साइकिल बाबा का, रेड दे रेड दे साइकिल बाबा का। अच्छा जी बता, कितना एरिया ले रखा है आपने? ये 12 हेक्टेयर है जी। 12 हेक्टेयर में, ठीक है। तो उरे भी खेती काती कर रहे हो? खेती किस चीज की कर रहे हो आप? ये मशरूम का फार्म हाउस है। तो ये सारे भाई अपने दोरे रहे हैं? हाँ जी। तो भाई क्यों कर अठारे? बहुत बढ़िया, तो मेरे ख्याल में सारे हरियाणा वर्गे लग गए मन तो। अच्छा एक बार न्यू कहते जिंद कंट्री के हम। भाई कॉलेज वाली याद आई, हमारे कॉलेज में रैगिंग चल रही थी, बोला कहाँ का रहा, बोला जी जिंद कंट्री का। खैर बढ़िया भाई, तो कितने साल हो गए? डेढ़ साल हो गया जी। राम राम जी भाई, राम राम। कित का है भाई? कैथलता है। सारे कैथलता है? ओ भाई साहब पेवत है, ये तो मेरा रिश्तेदार, रिश्ते तो मैं बाद में पूछूंगा। बांग्लादेश से? जींद से भाई जी। तो ये सारे भाई यहाँ पे इकट्ठे रह रहे हैं आराम से, और ये फार्म हाउस जो है कैपिटल सिटी से 80 किलोमीटर है, 70-80 किलोमीटर। तो फार्म हाउस ले रखा है। अच्छा अपना अभी स्टार्टिंग है, कैसा लोगे सब ने? साल एक होया होगा, साल डेढ़ साल। तो अभी अपने डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, दो चार हो रहे हैं बस, पोते आने और कोई से कौन। सारे डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करवाने लग रहे हैं अपने। और बताओ भाई क्या चल रहा है, 5 दिन काम हुआ कि 7 दिन? 6 दिन जी, अब तक 6 दिन। 6 दिन का काम है, फील्ड का ही काम है सारा? है फील्ड का काम है, सारे एग्रीकल्चर, सारे एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। अरे यार बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। तो आजकल पे स्केल के चल रहा है? पे स्केल जी 5 यूरो, मतलब 5-40 यूरो वन डे। गाड़ी सारी तुमने इकट्ठी कर रखी है? पात्रों की? हमारे पात्रों की है। क्या बात है भाई, पात्रों बड़ा छा रहा है, डेढ़ साल में छा गया छोरा। अच्छा ये पेड़ की है, पात्रों बताइयो क्या है? कोर्क का जी, कोर्क के जो वाइन के ढक्कन बना कर ना, वाइन तारकन है अपना, फिर उसको प्रोसेसिंग करके वाइन की। इसका बहुत महंगा नहीं है जी, इसने काट नहीं सकते अपना, पुर्तगाल में इलीगल है काटना, सिर्फ ये खाल उतार के वो बेचते हैं। ये खाल इसकी 7 साल में खाल उतरती है। अच्छा तो क्या रेट है खाल का? खाल का देखो रेट तो हमने नहीं पता। तो आगे आपने भी फार्म बना रखा है, वो दिखा दो हमने फिर। और सुना बढ़िया जी, कितने दिन हो गए? मैंने तो थोड़ा ही टाइम हुआ जी। कई साल, कई महीने हो गए? हो गए 8-10 महीने जी। गाड़ी का इंजन ठीक नहीं हुआ, रसोई बना दी बच्चों ने, और सो भी इसमें जावा है, सो एक बंदा इसमें सो जाए। बढ़िया यार, ठंड को लग है, गाने चल रहे हैं, ये रे हीटर लगा रखा है। अच्छा के लिए। ओ वाह यार, बस ये 20 कमाए बैठा रहा।
लाइट दिखानी पड़ी अंदर, लाइट को नहीं के अंदर इसमें लाइट नहीं है। मशरूम का फार्मिंग करते हैं, इसके अंदर स्ट्रो क्या होता है, इसके अंदर के मिला रखे आपने? इसमें सिर्फ हमने अभी तूड़ी है, भूसा है और जो कोल होती है स्पेदी जो टाइप होती है वो मिक्सिंग करके, अच्छा, और नेचुरल तरीके से हम इसको तैयार करते हैं। ये मशरूम तैयार हो गई है? हाँ जी, हाँ जी। इसमें सुराख कर देते हैं, सुराख से मतलब निकल। कितने दिन में तैयार हो जाती है भाई साहब ये? ये एक महीने का प्रोसेस है जी, एक महीने में मशरूम तैयार हो जाती है, बेचने जैसी है। हाँ, तो साल में कितने खेती ले सको, कितनी भी ले सकते? हर इसका तो रेगुलर प्रोसेस आप कर सकते हैं, हर महीने अपना तैयार करते रहो और सेल करते रहो। अच्छा अच्छा, ये सारी बस ऐसे पॉलिथीन में बंद कर करके आपने ये बना रखे हैं? मच्छर हो रहे हैं? हाँ, मच्छर तो ये हो ना कि जैसे अब गर्मी एकदम हुई है, वेदर चेंज हुआ है, तो एक तोड़ी थी अपन ने दो दिन पहले, तो ये दोबारा ग्रोइंग करने लग गए हैं। देखो एक तोड़ लियो। हाँ हाँ बिल्कुल, एक क्या पूरा गुच्छा तोड़ दियो। पूरा गुच्छा तोड़ के बाहर दिखाऊंगा आपने। तो ये पानी क्यों डाल रखा है? ये ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए। अच्छा, ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए। इसके अंदर दो ही चीजें की जरूरत है, ह्यूमिडिटी चाहिए और फ्रेश एयर चाहिए। तो भाई ये ले आए, ये मशरूम है, तो ये कच्ची भी खा लोगे तुम? हाँ बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो सब्जी सब्जी खुद भी बनाया करो, सिर्फ बेचने बेचने? नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल बना सब्जी। बढ़िया यार, मतलब $4 एक, चार यूरो एक किलो का। हाँ जी, हाँ जी। ये है मतलब हो जाए फिर तो, एक 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 गुच्छा कितने का हुआ? 400 ग्राम 500 ग्राम का निकला। 400-500 ग्राम का है तो एक पोटली से कितने गुच्छे निकला? एक पोटली की जो एवरेज आती है वो पूरे प्रोसेस में 2 kg की आ जाती है। 2 kg की? 2 महीने का, 60 दिन का इसका टाइम होता है। 60 दिन में फ्रूटिंग लेने का। अच्छा, पिंक और येलो जो गोल्डन कलर की है उसका 9 यूरो का रेट। 9 यूरो का, ये सस्ती है ये थोड़ी, ग्रे कलर में जो है उसका रेट साउंड है। ले भाई, छोरा आ गया किशन है? हाँ जी किशन, बिल्कुल सही जी। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं भाई, इनका साइकिल बाबा के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। भगवान से हम यही उम्मीद करते हैं कि साइकिल बाबा का टूर अच्छा रहे। थैंक यू छोटे भाई, थैंक यू। ओके ओके, ले भाई धन्नो धो रहे हम। एक्चुअली क्या था, फ्लैग बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था यार, तो फ्लैग को वॉश करना था और साथ में ड्राई हो गई थी चैन और वो सारा लुब्रिकेंट। तो अभी जब तक यूरोप में हैं, कितने दिन चलानी है इस धनों को कुछ पता नहीं है, तो इट्स बेटर कि इसको क्लीन कर लें। और यहाँ पे आप सर्विस करवाने जाओगे ना, इतनी सी वॉशिंग के लिए और सर्विस के लिए कम से कम 50 यूरो। 50 यूरो का मतलब हो गया कि 5,000, सिंपल सा फंडा, इतना तो ले ही लेंगे। ये हमारे साइकिल बाबा अपनी साइकिल को साफ करते हुए अब राम हमारे धनो इज रेडी। कल हम लिस्बन जाएंगे, तो देखते हैं, यहाँ से 80 किलोमीटर के आसपास है। अभी प्रसाद बनने को लग रहा है, प्रसाद बना रहे हो ना? हाँ, प्रसाद सोमवार है, सोमवार पे भोला जी का प्रसाद बन रहा है। प्रसाद वरसाद लेंगे और आराम से सब लोगों के साथ में। फार्म हाउस पे आके अलग ही मस्ती है यार, सैतूत लग रहे थे बहुत सारे, खाए हैं अभी हमने। ये हमारे भाई सोनीपत से हैं, ये अभी प्लेट वगैरह साफ कर रहे हैं, प्रसाद तैयार है। ये मेरे प्रिय मित्र अमरजीत, डोंकी मारे दोनों जन हम 1 तारीख ने सेम डे हम डोंकी लगा के आए थे। सेम डे सर्बिया से ऑस्ट्रिया, हाँ सर्बिया से ऑस्ट्रिया दोनों साथ में ही आए थे, साथ में ही जाल क्रॉस किया था। हम इकट्ठे ही रहते हैं साथ में दोनों भाई। ये हमारे नैन साहब है, धर्मवीर नैन साहब, तो ये अभी गाड़ी की न्यू बैटरी लेके आए हैं, चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। ये मेरे प्रिय मित्र का इलाज चलता हुआ है, ये डॉक्टर साहब ये इलाज कर रहे हैं अमरजीत का, बता रहे हैं भाई को। हो गया बस हो गया। ले भाई तवा रख लिया हम लोगों ने, और तवा रख के अब अपना रोटियों की तैयार है। ये हमने प्रोफेशनल शेफ हैं दोनों ने अच्छा काम किया हुआ है होटल इंडस्ट्री में। कैसे साल करे तुमने होटल इंडस्ट्री में काम? तो 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो आज हमने इसको, मतलब गोरों ने तो ये बनाई होगी सिर्फ हीटिंग के लिए, कि रूम हीटिंग या घर की हीटिंग होए, और हमने यहाँ पे चूल्हा बना के अपनी हीटिंग स्टार्ट कर दी है। रोटी अभी पहली रोटी है, थोड़ा अभी इसका देखना। अच्छा, गौ माता की रोटी है। रोटी सेक ली भाई, बंदा रोटी बढ़िया सेक रहा है। नहीं नहीं, बहुत बहुत बढ़िया कलाकार बंदा है, सैफ असली। वो ले लेना चिमटा लियो जी। गोल आने लग गए भाई सब। बिल्कुल, मतलब लेडीज भी नहीं बना सकती इतनी गोल। अब मैं आज हरियाणा में बोल दूंगा पूरा, तो खेत में पहुंच गए हम सारे। हाँ हरियाणा थे कितने, 20-25 तो। हाँ, और आज हमने ला दिया बोड़े का भोग, ठीक से प्रसाद बना रखे है, और अपने मजे तो सारे भाई बैठे हैं।
तो इसी बात पर बोलते पड़ेगी। अगर भाईचारे के साथ इकट्ठे रहोगे बाहर तो भी आप एक मतलब एक और एक ग्यारह होते हैं, ये बात यहाँ पे इन लोगों ने प्रूव कर रखी है। माड़ा टाइम हो अच्छा टाइम हो अगर इकट्ठे रहते हो तो बहुत अच्छा रहता है। और इतने सारे भाई मिले तो रियली मतलब मेरे को तो आज ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा से हॉस्टल लाइफ में आ गया। और ये जो थे वो हमारे कैमरामैन थे, भाई साहब आपकी भी इंट्रो दे दो। मैं किशन दुपड़ भाई, कैसे भाई? सब भाइयों को करते हैं बाय बाय, टाटा बाय बाय भाई, बाय बाय बाय, चलते हैं। दन्नो अपनी रेडी है पीछे खड़ी और भाई सारे जा रहे हैं काम पर। तो कितनी दूर है तारी फील्ड? इन्होंने मेरे को अपने फार्म हाउस से यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, तो अब यहाँ से जो लिस्बन जो है 50-60 किलोमीटर है वो मैं आराम से निकाल दूंगा। इनके फार्म हाउस से 20-30 किलोमीटर ये जो काम करने के लिए आते हैं ना, जहाँ पे रुके हुए वहाँ से काम करने के लिए थोड़ा दूर आना पड़ता है। और देखिए पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लगा हुआ है इनका, जितने भी फार्म हाउस हैं उनका पोस्ट ऑफिस यहीं पे है, यहीं पे उनकी पोस्ट डाल दी जाती है। तीस किलोमीटर रह गया, अभी फेरी है, एक फेरी पता नहीं मिलेगी कि नहीं। लो जी गाइस हम पहुंच गए हैं, 15-20 किलोमीटर है अभी, जस्ट फेरी टर्मिनल पे गया मैं, वहाँ उन्होंने कहा कि 1.5 घंटे बाद चलेंगे, आप जा सकते हो ट्रेन से। ट्रेन से मतलब नदी का इस छोर से उधर क्रॉस करना है, तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में ट्रेन से जाऊँगा, क्योंकि जो नदी के ऊपर पुल बने हुए हैं उस पर बाईसाइकिल अलाउ नहीं है। दो पुल हैं बड़े बड़े, एक को पुल 25 अप्रैल कहते हैं और एक को वास्को डी गामा कुछ ऐसा है। तो उधर जाने से पहले हमें रामफल ने चूरमा बना के दिया, चूरमा निपटाया मैंने अभी, पानी वानी पी के रेस्ट करके और फिर निकलूँगा आराम से यहाँ से। तो पहुँच जाएंगे यार 12-1 बजे तक अम्बेसी आराम से, तो टेंशन नहीं है। अम्बेसी जाके वहीं पे रुकेंगे लिस्बन में, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और शायद कल निकल भी जाएंगे लिस्बन से। लो भाई हम लिस्बन में पहुँच गए हैं और अभी मेट्रो से जो है हम पुल क्रॉस करेंगे। फेरी तो 1-1 घंटे में चल रही है, तो फेरी से बेटर है मेट्रो से कर लो। रेलवे क्रॉसिंग करनी है, अच्छा रास्ता ढूंढा मैंने हाईवे के साथ साथ में, नहीं तो घूम के आना पड़ता 5-6 किलोमीटर। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, क्या प्यारे जंगल है। यहाँ पे रोड इन्होंने बनाने की कोशिश की हुई है, पथरी वथरी डाल के रोड बनाया हुआ है। भारतीय दूतावास से निकल गए, पीछे भारतीय दूतावास है, यहाँ पे सारा अम्बेसी का एरिया, ये किसी देश की अम्बेसी है। अभी हम अम्बेसी के एरिया में घूम रहे हैं, अभी भारतीय दूतावास से निकला हूँ मैं, वहाँ पे छोटा सा वार्तालाप सेशन और मुलाकात सेशन और हमारा जो काम होता है वो सब निपटा के और अब हम निकले हैं। अब हम जा रहे हैं, एक हमारे यहाँ पे आशीष भाई हैं, धन्नो को वहाँ पे खड़ा करेंगे एक बार आशीष भाई के यहाँ पे, और फिर थोड़ा सा लिस्बन सिटी को घूमेंगे। सारा कोस्ट है, कोस्ट रूट से आया था, अभी पोर्टो वाले रोड पे चला जाऊंगा सोलो, और यहाँ पे 1 किलोमीटर चलने के बाद, वाह कलर देखो यार कितना प्यारा है इसका, 1 किलोमीटर चलने के बाद में आशीष भाई का घर है, वहाँ पे एक बार धन्नो खड़ी करूँगा और फिर कुछ सिटी को एक्सप्लोर करके आता हूँ। हमारे गांधी जी का स्टैचू लगा हुआ है, इस चौक को गांधी चौक बोलते हैं, के आर नारायणन जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था 98 का लगा हुआ। तो दोस्तों मैं रास्ते में जा रहा था, भाई ने मुझे रोक लिया, तो कैसे हैं? आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है रामकृष्णा, रामकृष्णा नायडू। नायडू तो भाई आंध्रा से हैं, वैसे पुणे बेस्ड हैं,
तो यहाँ पे 4-5 साल से रह रहे थे, नेशनल फ्लैग देखा दन्नों के ऊपर, तो इन्होंने मुझे रोक लिया और वार्तालाप शुरू होगी। तो अभी हम वार्तालाप कर ही रहे थे, तो काम पे जा रहे थे भाई, वेट थोड़ा लेट हो रहे हैं, फिर आराम से कभी बात करेंगे। तो थैंक यू यार वंस अगेन, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत। कितना बड़ा कैक्टस है यार। तो ये भाई मिले मुझे, ये ऑर्डर ले रहे हैं अभी, डिलीवरी का काम कर रहे हो, ठीक ठाक बन जाए, कितने बन जाए, 70-80-90। तो कितने महीने हो गए आए को? मैंने तो 4-5 महीने। 4-5 महीने हो गए, सही कमाल है, बढ़िया मौज हो रही इस काम में, बहुत बढ़िया, बढ़िया काम है। कई घंटे काम करा है? मैं 9 घंटे 8 घंटे, कभी कभी बढ़िया काम हो 10 घंटे बुला। अच्छा, कितना मेरा बन जा रहा हूँ तो मैंने 60-70-80 यूरो है, अगर काम बढ़िया हो तो 100 पार भी चले जाऊँ। अच्छा, वीडियो बना ली ना? इसने भाई ने ऑर्डर ले लिया इससे, और अब ये डिलीवर कर दो। कितनी दूर में जाओगे, क्या किलोमीटर में, कितने किलोमीटर तक जाओगे? 5-6 किलोमीटर के अंदर अंदर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर भी चले जाओ, कोई जो नहीं, फिर उसी हिसाब से रेट मिलता है। ओके ओके, चलो बढ़िया जी। तो ये उबर ईट है कि ये कुछ और है? ग्लोबो, ये उबर ईट कर रहा है। अच्छा अच्छा, दो अलग अलग कंपनी है। ये तो थी सब भाइयों की इंट्रो, और आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।